गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं न्यानेश और आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। मैं अभी कारगिल से निकल रहा हूं। मेरा अगला प्लान है संकु जाना, संकु वैली, लद्दाख का सबसे फर्टाइल लैंड। सुबह के बजे लगभग 6:30 एंड संकु के लिए सिर्फ सुबह ही बस रहती है एंड वो बस मुझे पकड़नी है। अगर वो बस मेरे से मिस हो जाती है तो कल का वेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ। और एक रीज़न है संकु जाने का, एक्चुअली मुझे जाना है पदुम, संकु ऑन दी वे ही आ जाता है, इसलिए सोचा पहले जाते हैं संकु, उसके बाद देखेंगे आगे कैसा रास्ता है। ये मेरा गेस्ट हाउस था, यहाँ एक दिन रुका था, प्लस ये जो होटल है सामने वाइट वाला, वहाँ एक दिन मैं रुका था। बसेस तो बहुत सारी है बट कोई नहीं है यहाँ पे। अभी मुझे ढूंढना है यहाँ इसमें से संकु के लिए कौन सी बस जाती है। मैं बस स्टॉप गया था बट वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी। एक भाई साहब ने बताया लाल चौक आ जाओ, तो यहाँ ये है लाल चौक और यहाँ दो गाड़ियाँ खड़ी है, देखते इसमें से कौन सी जाती है संकु। संकु में मैं पहुंच गया, 9:30 है अभी। नॉनस्टॉप गाड़ी आई, मुझे लगा कि फिर रुक जाएगी बट गाड़ी नहीं रुकी। 7:30 से वहाँ निकले और 9:30 यहाँ पे पहुंच गए। 40 किलोमीटर के लिए लगभग 1.5-2 घंटा लगा यहाँ पे। एंड मैं अभी एक गेस्ट हाउस पे रुका हूँ, उसका नाम है गोबा गेस्ट हाउस, काफ़ी सुंदर है एंड सस्ता भी। ये जो है बैठने के लिए उन्होंने बनाया है छोटा सा बालकनी का, एंड जो व्यू है सामने का मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द व्यू। इसके पीछे वाला जो व्यू है मतलब बैक साइड वाला, वो काफ़ी सुंदर है, सारे स्नो कैप्ड माउंटेन है। तो वो भी मैं कहीं से देखता हूँ बट मेरे रूम से तो वो नहीं दिख रहा है। एंड दिस इज़ माई स्मॉल रूम, 500 रुपये लिए उन्होंने, काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। टॉयलेट का मैंने खिड़की खोला है आपको पीछे वाला व्यू दिखाने के लिए, एक मिनट। सो लुक एट द व्यू, क्या सुंदर नज़ारा है। वेलकम टू सुरु वैली एंड टाउन का नाम है संकु। व्यू देखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको शॉर्ट में मैं यहाँ क्यों आया ये सबसे पहले बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है मुझे जाना है झांस्कर, एंड कारगिल से झांस्कर का जो रोड है वो लगभग 240 किलोमीटर का है, एंड कारगिल से बसें सिर्फ संकु से 30 या 40 किलोमीटर दूर तक जाती है, मतलब यहाँ से और 30 किलोमीटर दूर बसें जाती है, वहाँ उससे आगे बसेस नहीं है। तो
मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, एक तो डायरेक्ट कारगिल से टैक्सी करो, झांस्कर चले जाओ, पदुम चले जाओ, बट उसके लिए टैक्सी का रेट था 2200 रुपये, दैट टू सारे जो सीट्स है वो फुल हो गए तो ही, नहीं तो वो वेट करेंगे, जब तक गाड़ी फुल नहीं होती तब तक नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड दूसरा रास्ता ये था कि बस जहाँ तक जाती है वहाँ तक चले जाएंगे। तो मैंने सुबह 7:30 बजे बस लिया, एंड जिस बस का जो एंड पॉइंट है उससे 30 किलोमीटर पहले ही मैं उतर गया संकू में, क्योंकि ये वैली लद्दाख रीजन की सबसे फर्टाइल लैंड है। एंड ये व्यू, मतलब इस वैली का व्यू मुझे देखना था, इसलिए मैं यहाँ एक दो दिन रुकने वाला हूँ। ऐसा लग रहा है काफ़ी सुंदर जगह है ये, मैं अभी थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद बाहर जाके एक्सप्लोर करने वाला हूँ, एंड फिर 2-3 दिन बाद हम देखेंगे यहाँ से आगे कैसे जाते हैं। मोस्टली यहाँ से फिर 30 किलोमीटर तक मैं बस से जाऊँगा, एंड वहाँ से फिर देखेंगे, कुछ मिलेगा तो चले जाएंगे, लिफ्ट तो मिल ही जाएगा। डिनर ने लंच का बोला है, मैंने वेज बोला है, कुछ भी बना दो या हाँ सब्जी चलेगा, कुछ भी चलेगा। अच्छा। आप यहाँ जो खाते हो ना वैसा बनाओ। हाँ, चिकन वकन नहीं खाते हैं। नहीं, भेजी भेजी सिर्फ सब्जी। हाँ, सब्जी कुछ राइस वगैरह, राइस दाल वगैरह। हाँ, बस कोई बात नहीं। हाँ ठीक, ओके। कुछ यहाँ आगे जो वहाँ चंबा है। हाँ। यहाँ इस तरफ। हेलो, एकदम ठीक, आप कैसे हो? ज्ञानेश, आपका नाम क्या है? नाइस टू मीट यू। संकू एक सुरू वैली का छोटा सा टाउन है, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे खेतीबाड़ी ही करते हैं, काफ़ी शांत एंड पीसफुल है। मुझे पहले लगा था सिटी होगा, बट नहीं, सिटी नहीं है, छोटा सा गांव ही है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा दिक्कत आता है तो पानी थोड़ा कम आता है ना। अच्छा, मतलब इस टाइम बर्फ कम ही गिरा, कमी की वजह से पानी कम आता है। हाँ। नाले में। अच्छा, अगर नाले में ज्यादा बर्फ गिरेगा तो पानी ज्यादा आता है, थोड़ा पानी का दिक्कत। अच्छा, आज मैं फुल जोश में हूँ, टाइम कैसा गया पता ही नहीं चला। दोपहर का लंच होने के बाद, लंच दोपहर का ही होता है, लंच होने के बाद जो मैं एडिटिंग करने बैठ गया, उसके बाद मैंने एक वीडियो एडिट किया, अपलोड किया, दूसरा वीडियो लगभग एडिट होके कंप्लीट हो रहा है, एंड अभी बजे है 7:30। नीचे आंटी मुझे खाना खाने के लिए बुला रही है, तो अभी हम खाना खाने जाएंगे। उनका किचन बहुत यूनिक है, एंड घर का कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा यूनिक है, तो वो मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो चलो डिनर के लिए। हेलो। अच्छा, हो गया आपका इफ्तार? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं एक बार बताइए ना। चूल्हा, मतलब चूल्हा ही बोलते हैं, नॉर्मल चूल्हा ही है वो। और वहाँ फिर खाना कैसे पकाते हैं? खाना इसी पे। अच्छा, पहले हम रोटी बना था, मुझे क्या पता वो पता कि नहीं, मुझे वो बोला ना था क्या करेंगे, क्या पूरा आज जो खेल के लेते हैं। अच्छा, तो कुकर वगैरह कहाँ रखते हैं फिर? कुकर इसके ऊपर, उसके ऊपर हो जाता है। अच्छा, नाइस। ये एक्चुअली नेपाल में भी देखा था। अच्छा, हाँ, बट इतना नजदीक से नहीं देखा था। और इसका ये राग साग जो है ना, ओ सो थॉटफुल। फिर फेंकने का। अच्छा, नाइस।